हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट मास्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था 03/2020 उसका जो है आज सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 6 का मैं आपके साथ सॉल्यूशन और आंसर शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सब लोग देख सके और सब अपना आंसर मैच करके और मार्क जो है कमेंट बॉक्स में सेंड कर सके। क्योंकि जितना लोग अपना मार्क शेयर करेंगे उतना आप लोगों को भी एनालाइज करने में अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न की बात करें तो पैटर्न सबको पता है, सारे पेपर में 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 1 घंटे का था और 100 मार्क्स क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर 6 का है कि बोल रहा है इसमें अ मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज अ प्लॉट ऑफ। जो मास कर्व होता है रेनफॉल में वो किसका प्लॉट होता है? तो वो होता है अकुमुलेटेड प्रेसिपिटेशन और टाइम का। तो ये ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन मैनिंग्स कोफिशियंट एन और चेजिस कोफिशियंट सी। ये दोनों के बीच रिलेशन अगर आप देखेंगे तो दोनों में वेलोसिटी का फॉर्मूला जब आप इक्वल करेंगे तो वहां से आपका जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी आपके पास, यानी कि सी इक्वल टू 1/n r^6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इसमें बोल रहा है कि इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल की बात कर रहा है, अल्टरनेट डेप्थ दिया हुआ है 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनर्जी पूछ रहा है कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या पूछ रहा है, अल्टरनेट डेप्थ दिया हुआ है, अल्टरनेट डेप्थ दे करके और स्पेसिफिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो जब देखिए, जब आप इसके थ्रू अगर आप निकालेंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी। तो ये काम जो है मैं आपको सौंप रहा हूँ कि इसका आंसर जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपका क्या आंसर आ रहा है इसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि अ रेक्टेंगुलर चैनल हैज, बॉटम विड्थ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर चैनल का और लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप दिया हुआ है और साथ ही ये जो डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है, 1.25। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज शियर स्ट्रेस। तो एवरेज शियर स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला गामा डब्ल्यू आर एस होता है, तो गामा डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे 10 लेना है और आर का वैल्यू a/p होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर है तो by b+2y हो जाएगा a/p। तो आर वहां से निकल जाएगा, आर जब आप निकालेंगे तो वहां से आर निकल जाएगा और आर निकालने के बाद जो है एस से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 × r × s। तो ये सब जब आप निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा 1.66 न्यूटन पर mm². ठीक है, 1.66 न्यूटन पर mm², यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको करना क्या है। ये जो होगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो ये क्या होगा, 10 यानी कि गामा डब्ल्यू इंटू आर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.5। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा, 0.0003। ठीक है, यहाँ से जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो, और इसको देखिए ये 10 है तो 10 किलोन्यूटन में, तो 10 किलोन्यूटन को ये न्यूटन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 × 1000 क्या हो जाएगा, 10,000। तो 10^4 हम लोग कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे 3.0003 है तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 3 × 10^-4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10^-4 से यहाँ पे 10^4 कैंसिल हो गया और इस तरीके से आप करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 5/3। ठीक है, 5/3 आएगा, तो इस तरीके से आप 5/3 यानी कि 1.66 इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, उसमें बोल रहा है कि ट्रेंगुलर चैनल है जिसका साइड स्लोप दिया हुआ है 2 horizontal is to 1 vertical। तो फ्रॉड नंबर पूछा जा रहा है, जस्ट हम लोग फ्रॉड नंबर आसानी से निकाल सकते हैं कैसे। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास, जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा v/√g × y/2।
है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो बोल रहा है इसमें फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी ई द क्रिटिकल डेप्थ इज वाई सी, फॉर द गिवन रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन वाई। तो वाई सी के बारे में यानी कि क्रिटिकल डेप्थ पूछ रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी दिया हुआ है। तो आपको पता है जो स्पेसिफिक एनर्जी होता है, स्पेसिफिक एनर्जी ई क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी, क्रिटिकल डेप्थ पे जो एनर्जी होगा वो क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी होगा। तो ये जो होता है 3/2 × YC होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, YC। तो YC क्या हो जाएगा, 2/3 EC। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए ही जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि अ 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, और फ्लोइंग एट नॉर्मल डेप्थ ऑफ 0.8 मीटर। ठीक है, 0.8 मीटर क्या है, यहाँ पे नॉर्मल डेप्थ दिया हुआ है, यानी कि yn दिया हुआ है 0.8 मीटर। ठीक है, कैरिज डिस्चार्ज दिया हुआ है q 9.5 9.5 m³/s। ठीक है, उसके बाद बोला है द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज, जो बेड स्लोप कैसा होगा, स्टीप होगा या फिर क्रिटिकल होगा या एडवर्स होगा, माइल्ड होगा। यानी कि एक तरह से हमें क्या निकालना है, ये yn जब दिया हुआ है तो उसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो yc के साथ। तो yc के साथ देख लेंगे ये कम है या ज्यादा है क्या है। ठीक है, तो yc हम लोग निकालना हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो yc जो होता है क्रिटिकल डेप्थ वो क्या होता है, q² यानी कि 9.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b² × b² यानी कि 9 × g, g मीन्स 9.81। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, और ये 2^1/3 भी होता है, ठीक है, 2^1/3। इसका इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है लगभग 1 के अप्रोक्स आएगा। ठीक, yc का वैल्यू जो कि बड़ा है yn से, yn इसका मतलब छोटा है, तो yn नीचे है, ये नॉर्मल डेप्थ नीचे है और yc ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टीप हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्टीप स्टीप स्लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि इन डिराइविंग द इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप द रेक्टेंगुलर चैनल इन टर्म्स ऑफ कंजुगेट डेप्थ एंड इनिशियल फ्लो नंबर। ठीक है, तो जो हम लोग इक्वेशन ड्राइव करते हैं हाइड्रोलिक जंप के लिए, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन हम लोग यूज करके ड्राइव करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि स्टेशनरी हाइड्रोलिक जंप है अगर हो रहा है रेक्टेंगुलर चैनल में, इसका इनिशियल और सिक्वेंट डेप्थ दिया हुआ है। यहाँ पे इनिशियल कितना है 0.4 मीटर और सिक्वेंट डेप्थ है 1.6। ठीक है, यानी कि एक तरह का अल्टरनेट डेप्थ ही हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो कैलकुलेट इनिशियल फ्लोट नंबर एंड एनर्जी लॉस। तो इनिशियल फ्लोट नंबर पूछ रहा है, यानी कि F1 पूछ रहा है। तो F1 हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए F1 हम लोग निकालेंगे, एक फॉर्मूला आप देखे होंगे कि y2 / y1 इज इक्वल टू -1 + √1 + 8 F1² ठीक है। अगर y2 नीचे रहे तो ये F1 होगा, और y2 ऊपर रहे तो यहाँ F1 होगा, और y1 नीचे रहे तो यहाँ F2 होगा। सॉरी, वो y1 नीचे रहे तो यहाँ पे F1 होगा, और y2 नीचे रहे तो यहाँ पे F2 होगा। ये इस तरह से देखना है आपको। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो y1 y2 कितना है, y2 है 1.6, ठीक, डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल टू -1 + अंडर रूट, वही सेम सेम कुछ सब कुछ वही है, 1 + 8 F1² ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसको 4 टाइम्स हम लोग कट करेंगे, तो 4 × 2 = 8 होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8, 8 + 1 = 9, 9 को स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 में से
वन माइनस करेंगे तो 80, 80 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 10, यानी कि एफ वन का स्क्वायर क्या हो गया, 10 आ गया। तो एफ वन कितना आएगा, अंडर रूट 10, ठीक है। और अंडर रूट 10 देख लीजिए, फ्रॉड नंबर पूछ रहा है, इनिशियल फ्रॉड नंबर एफ वन, अंडर रूट 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को हम लोग इसको टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10th बोल रहा है इसमें, एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक इन प्लेन ट्रेन, प्लेन ट्रेन की बात कर रहा है, तो जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन कितना होता है, 0.07 आप लोग देखते होंगे, तो 0.07 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो लगभग 1/15 आएगा, तो 1/15 को हम लोग 0.07 बोलते हैं। तो इसका 10 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। 11th है कि द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फॉर ऑफ हाईवे एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन, आईआरसी के अनुसार जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पर ट्रांजिशन कर्व कौन सा यूज किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पाइरल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 12th, इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन, तो रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होगा, कहाँ पे, प्लेन ट्रेन प्लेन पे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1 in 30, यानी कि 1/30, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन कि फॉर डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय, आपको पता होगा स्पीड को हम लोग क्या करते थे, 0.75 कर देते थे, यानी कि 75% लेते थे, यानी कि 25% हम लोग रिड्यूस कर देते, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइंड फॉर, हाईवे फैसिलिटीज किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो या फिर एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक के लिए, या फिर पीक आवर वॉल्यूम के लिए, या फिर 38th ऑफ हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर के लिए, यानी कि हम लोग इसके लिए क्या करते हैं देखिए, या फिर एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक के लिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ट्रैफिक का सर्वे करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको अरेंज करते हैं हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक, उसके बाद नीचे आते जाते हैं और ऊपर से देखते हैं हाईएस्ट में 30 नंबर पे, यानी 30वें नंबर पे कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, एंड इनोस्कोप इज यूज फॉर मेजरिंग, इनोस्कोप क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो स्पॉट स्पीड, यानी कि किसी समय किसका स्पीड क्या है उसको यूज करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इनोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, पूछ रहा है इसमें द मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन, तो आईआरसी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम विड्थ कितना होना चाहिए, 2.44 मीटर होना चाहिए किसी व्हीकल का मैक्सिमम विड्थ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, डिजायर लाइन आर प्लॉटेड इन, डिजायर लाइन कहाँ प्लॉट किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डिजाइन कैपेसिटी, डिजाइन कैपेसिटी जो है प्रैक्टिकल कैपेसिटी को डिजाइन कैपेसिटी भी बुलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 19, लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू कंडक्ट, लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन का नाम भी है उसी में, लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट इसको बोलते हैं, तो एब्रेशन टेस्ट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, जो टेम्परेचर सॉरी पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोग बिटुमिन पे करते हैं क्या निकालने के लिए, तो ग्रेड उसका पता करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोल रहा है कि फॉर कैरिंग आउट बिटुमिनस पैच वर्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मोस्ट सुटेबल बाइंडर, ठीक है, सबसे मोस्ट सुटेबल बाइंडर रेनी सीजन के लिए क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिटुमिन इमल्सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर बॉर्न डिजीज, तो वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा नहीं है, मलेरिया वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, बाकी सब है, तो मलेरिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23rd देखते हैं हम लोग, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम कितना फ्लोराइड होना चाहिए, इसका सही आंसर हुआ है 1.5 ppm, ठीक है। नेक्स्ट है टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन, टर्बिडिटी कैसे मेजर किया जाता है, तो स्टैंडर्ड सिल्का स्केल पे मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 25, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज अचीव्ड बाय, अचीव्ड जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होता है बीओडी रिमूवल के लिए हम लोग किसमें अचीव करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन डिच में, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबड़ वेस्ट डिस्पोजल, प्लास्टिक और रबड़ वेस्ट डिस्पोजल के लिए कौन सा
मेथड जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पायरोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है 27। अ ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिजाइन टू रिमूव। ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है क्या रिमूव करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 28। बीओडी ऑफ अ टाउन, टाउन का बीओडी जो है बीओडी ऑफ अ टाउन इज 25,000 kg पर डे। ठीक है, एंड बीओडी पर कैपिटा पर डे इज 50 ग्राम। ठीक है, तो पॉपुलेशन पूछ रहा है, पूरे टाउन का बीओडी दिया हुआ है 25,000 है। ठीक है, पूरे टाउन का बीओडी 25,000 है, 25,000 kg पर डे। ठीक है, और पर कैपिटा दिया हुआ है कि 50 ग्राम है। 50 ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो 0.05 kg हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पॉपुलेशन निकाल सकते हैं इसको डिवाइड करके जस्ट। तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 को 5 से 25 हो जाएगा, यानी कि कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, 5 पर कितना, 5 times 0। ठीक है, यानी कि 5 लाख पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 5 लाख। 5 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29। द एंट्री ऑफ फॉल स्मेलिंग गैसेस इनटू द हाउस कमिंग फ्रॉम द सीवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जो फॉल स्मेलिंग गैसेज आता है घर में सीवर से, तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बाय प्रोवाइडिंग वाटर सील फॉर ऑल द फिक्सर्स एंड वेंट पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। बोल रहा है द ट्रैप यूज्ड फॉर वाटर क्लोसेट इज कॉल्ड एज। जो वाटर क्लोसेट में ट्रैप यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है पी ट्रैप। ठीक है, तो पी ट्रैप ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 31 क्वेश्चन की द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्लश टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। देखिए, सेडिमेंटेशन और डाइजेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली किसमें होता है? तो इमहॉफ टैंक। ठीक है, तो इमहॉफ टैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाई सीओडी टू बीओडी रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट। किसी भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में हाई सीओडी और बीओडी रेशियो है, सीओडी बाय बीओडी रेशियो, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वो जो है लो बायोडिग्रेडेबिलिटी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 33। बोल रहा है कि वाटर इज नोन एज एसिडिक वाटर इफ पीएच, यानी कि वाटर को बोल रहा है एसिडिक। एसिडिक वाटर कब होगा? जब उसका पीएच 7 से कम होगा। ठीक है, तो 7 से कम पीएच देख लीजिए कहाँ होगा, 7 से। देखिए यहाँ भी ए में भी 7 6.5 से कम है, तो वो 7 से कम होगा। ये 6 से कम है तो 7 से तो कम ऑब्वियसली होगा। ये लेस देन 5.5 है तो 7 से कम तो ये भी होगा। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 देखते हैं हम लोग। उसने बोला कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय अ क्रॉप मीन्स वाटर कंज्यूम्ड बाय। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर क्या होता है? ठीक है, ऐसा वाटर जो इवोपरेशन और ट्रांसपीरेशन से निकल जाए, उसी को हम लोग कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बोलेंगे। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 35 की। यहाँ पे देखिए द ग्रॉस कमांड एरिया दिया हुआ है ऑफ एन इरीगेशन कैनाल 50,000 हेक्टेयर, आउट ऑफ विच 80% ऑफ कल्टिवेबल कमांड एरिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन फॉर रबी सीजन इज 60% एंड खरीफ सीजन इज 20%, द क्रॉप रेशियो पूछ रहा है। क्रॉप रेशियो क्या होता है कि रबी सीजन में जितना क्रॉप यील्ड होता है और डिवाइड करते हैं उसको खरीफ सीजन के। तो यहाँ पे सब कुछ तो सेम है, 50,000 को 80% से 0.8 से सब में मल्टीप्लाई करना है दोनों में। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी के परसेंटेज का रेशियो, यानी कि 60/20, तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रेशियो। ठीक है, यानी कि रबी सीजन में 3 टाइम्स खरीफ के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स इंटेंसिटी ये क्रॉप यील्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 36 कि आउट ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पम्प्ड आउट इनटू अ कनाल। ठीक है, 80 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर कुड बी सप्लाइड टू द फील्ड, यानी कि 120 में से 80 जो है वो इधर सप्लाई कर दिया गया। अच्छा, आउट ऑफ, हाँ, सप्लाई टू द फील्ड 60 क्यूबिक मीटर
ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, ठीक है, रूट जोन में 60 क्यूबिक मीटर वाटर स्टोर किया गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाइल वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन प्रायर टू द इरिगेशन वाज 80 क्यूबिक मीटर, ठीक है, तो रूट जोन में वाटर चाहिए था कितना, 80। तो बोल रहा है कि द स्टोरेज एफिशिएंसी, स्टोरेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो स्टोरेज एफिशिएंसी हम लोग सीधा निकाल सकते हैं कि देखिए स्टोरेज एफिशिएंसी होता क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर रहेगा, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग, जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे कितना स्टोर है, 60%, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रूट जोन, 80 रिक्वायर्ड है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, यानी कि अगर 20 से काटे तो 25, ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, और ये 4 से 15 टाइम्स, तो यानी कि ये हो जाएगा 75%, ठीक है। 75% मीन्स कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36, ये हो गया, 37 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है द डेप्थ ऑफ रूट जोन फॉर अ पार्टिकुलर क्रॉप इज 100 सेंटीमीटर, रूट जोन का डेप्थ दिया हुआ 100, इफ द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 2 ग्राम पर सीसी, ड्राई ये यूनिट वेट दिया हुआ है 2 ग्राम पर सीसी, ऑफ द फील्ड एंड इट्स फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आर 20% एंड 10%, देन द स्टोरेज कैपेसिटी, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द इरीगेशन वाटर। स्टोरेज कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले डेंसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी निकालेंगे हम लोग कैसे, ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी ये जो होगा, इसको जैसे डेंसिटी कितना है, 2 है, 2 हो गया डेंसिटी इंटू क्रॉप कितना है, ये डेप्थ 100, ठीक है, और ये ग्राम पर सीसी है तो सबको सीजीएस में ही हम लोग रख रहे हैं, तो ये हो गया 100 इंटू कैपेसिटी, ये हो गया, हाँ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना है, 10 है ना, और ये 20 है, तो इसको क्या करेंगे, 10 माइनस 20 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा, 10, 10% मीन्स 0.1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2, यहाँ से इसको निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा 10, ठीक है, 10 इसका वैल्यू आ जाएगा, थर्टी सेवन ऑप्शन डी, ठीक है, 10 इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, 38 है, ड्यूटी इज लार्जेस्ट, ड्यूटी कहाँ लार्जेस्ट होता है, तो फील्ड में, ठीक है, फील्ड में लार्जेस्ट होता है, और जो रिजर्वायर होता है वहाँ पे लोएस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट है 39 की एन आर्टिसन एक्वीफर इज वन वेयर, आर्टिसन एक्वीफर क्या होता है, जहाँ पे वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फॉर डिस्चार्ज ऑफ 100 क्यूमिक टू फ्लो एट अ डेप्थ ऑफ 50 मीटर 5 मीटर इन अ रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल चैनल, विड्थ ऑफ द लेसी थ्योरी, लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग विड्थ क्या हो गया, देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए क्या डिस्चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, तो डिस्चार्ज दिया हुआ है 100 क्यूमिक, यानी कि क्यूबिक मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, और डेप्थ दिया हुआ है वाई 5 मीटर, ठीक है, तो लेसी के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर है तो पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4.75 अंडर रूट क्यूब होता है, ठीक है, ये होता है, यानी कि ये क्या हो गया, पेरीमीटर 10 हो जाएगा, तो 47.5, ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगुलर के लिए, बी प्लस 2 वाई, ठीक है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, बी प्लस 2 वाई, 2 वाई का वैल्यू कितना है, 5 है, यानी कि 2 वाई का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो यहाँ से बी का वैल्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, बी क्या हो जाएगा, 47.5 माइनस 10, यानी कि 37.5 मीटर, ठीक है,
तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में देखते हैं हम लोग, इफ द स्पेसिफिक यील्ड ऑफ अ पार्टिकुलर सेंड, सेंड बोल रहा है स्पेसिफिक यील्ड 30 है एंड इट्स पोरोसिटी इज 50, देन द स्पेसिफिक रिटेंशन, स्पेसिफिक रिटेंशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 50 माइनस 30 कर देंगे, स्पेसिफिक रिटेंशन 20 आ जाएगा। 42 देखते हैं हम लोग, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम, जो लेसी के अकॉर्डिंग जो है सिल्ट सपोर्टिंग एडीज जो है वो कहाँ से जनरेट होता है, तो साइड और बॉटम दोनों से जनरेट होता है। ठीक है, 43 देखते हैं हम लोग, गैरेट डायग्राम किस पर बेस्ड है, तो कैनेडी थ्योरी पे बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ स्ट्रीम इज कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 4 मीटर क्यूब पर मीटर, ठीक है पर मीटर विड्थ, यानी कि यहाँ पे पर मीटर विड्थ वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि हैविंग सिल्ट फैक्टर 2, सिल्ट फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2, देन लेसिस स्कॉट डेप्थ, स्कॉट डेप्थ क्या हो जाएगा इसमें, तो स्कॉट डेप्थ हम लोग आर निकाल सकते हैं, आर जो होता है स्कॉट डेप्थ ये क्या होता है 1.35 इंटू क्यू स्क्वायर बाई एफ टू दी पावर 1/3। ठीक है, ये होता है, अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दिया, क्यू दिया हुआ है एफ दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर जो है ये आएगा आपके सामने में 2.7। ठीक है, 2.7 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, 45 बोला है द एफिशिएंसी ऑफ रिजर्वायर इज अ फंक्शन ऑफ, जो एफिशिएंसी होता है रिजर्वायर का किसका फंक्शन होता है, तो ये आपको बताना है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैपेसिटी बाय इनफ्लो रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 की, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड एट, जो रिजर्वायर अगर फुल है तो डैम का जो है कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पे लगेगा। ठीक है, डैम ये आपका हो गया ग्रेविटी डैम। ठीक है, इसका एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखिए जब ये फुल है यानी कि यहाँ तक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इस पे, तो कंप्रेसिव फोर्स कहाँ जनरेट होगा, इस पॉइंट पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टो। ठीक है, तो टो पे जनरेट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एट द टो, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 47 द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ डैम, देखिए अभी हमने बताया कि वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 हो गया कि अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज, देखिए बोला कि रिवर ट्रेनिंग वर्क कब होना चाहिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है मिंडरिंग टाइप, अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज मिंडरिंग टाइप। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है कि द मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम है टेंशन नहीं हो तो उसके लिए इसेंट्रिसिटी कितना होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, BY6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट अ हाइटोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, तो हाइटोग्राफ जो होता है और रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से हमने पेपर 6 के भी जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल 50 क्वेश्चन, उसको भी हमने देख लिया है और उसका सही आंसर जो है वो हमने आपको बता दिया है। बाकी अगर इसमें किसी भी आंसर में आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आप और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो वो भी आप हमें बताइए। बाकी इसका अगर PDF चाहिए किसी भी क्वेश्चन पेपर का, तो टेलीग्राम जो चैनल है गेट मास्टर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में, और बाकी लेटेस्ट अपडेट जो भी है आने वाले एग्जाम को लेकर के हो या फिर कोई किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट के बारे में हो, तो सब अपडेट जो है आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जरूर से जो जरूर उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ठीक है,
बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।